गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है हमारे यहाँ पे। अभी पहले भी थी, लेकिन 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। आज बारिश तो रुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है। और आज वीडियो मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। अभी 8:15 बजे का टाइम है और इतनी सर्दी है कि पूछिए मत। और उसका जो असर है वो कुछ कुछ मेरे इंडोर प्लांट पे भी अब दिखने लगा है। ज़्यादा तो नहीं, वही 100 में से 5%। तो देखिए, ये जो मेरे इंडोर प्लांट हैं फ्रेंड्स, आप उनका साथ में ओवरव्यू भी देखिए और साथ में आपको मैं कुछ बातें भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कीजिए सर्दी में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मार्जिनाटा ड्रेसिना मार्जिनाटा है। और इसकी ये देखिए, एक जो ब्रांच थी, 3 थी, इसमें ख़राब हो गई है। वैसे ऐसे नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गया था पॉट मेरे से, और एक तो ख़राबी हो गई और 2 की हालत भी थोड़ी ख़राब ही है। लेकिन अभी वैसे भी ये स्टेबल है, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। आगे कुछ टाइम बाद, फरवरी के बाद, ये ग्रोथ करना शुरू करेंगी। स्नेक प्लांट तो अच्छा है। इधर ये गोल्डन पोथोस भी अभी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, कोई न्यू लीव्स नहीं आ रही है। बस प्लांट जो हैं खुद को बचाने में लगे हुए हैं, ठंड से बच रहे हैं। और इस तरीके से ये देखिए, ओवर वाटरिंग के ये निशानी हो जाती है। कभी कभी हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो इस तरीके से लीफ हो जाती हैं। तो इस तरीके की ये जो पत्तियां हैं, ख़राब पत्तियां, येलो पत्तियां जैसी भी हैं, वो आप निकाल दें। प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहती है इससे, और देखने में भी ये सुंदर लगते हैं। और हम इंडोर प्लांट लगाते भी इसीलिए हैं कि वो हवा को शुद्ध भी करें और अंदर जो है देखने में सुंदर भी लगें। तो ये प्लांट भी अच्छा चल रहा है। आगे ये बोस्टन फर्न भी मेरी अच्छे से ही चल रही है, इस पर भी कोई ऐसा असर दिखा नहीं मुझे अभी। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, और इसमें भी फ्रेंड्स न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो निकल रही है। ये देखिए निकल रही है, बिल्कुल रुकी नहीं है। लेकिन जैसे ही फरवरी से बाद इन प्लांट में जो है अच्छी खासी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठंड इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, प्लांट क्या करें, यहाँ आदमियों की हालत ख़राब है। तो इनकी भी वैसी ही है। तो ये देखिए, ये मेरा अगला प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। स्नेक प्लांट मोस्ट हार्डी प्लांट है ये। और ये देखिए, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं इसमें, ये देखिए। और फिर ये छोटे छोटे पॉट में लगे हुए मेरे प्लांट। और ये देखिए, ये मेरा वांडरिंग ज्यू लगा है, और ये बहुत छोटी सी मटकी में मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए। और अच्छी ग्रोथ है इसकी, चल रहा है अच्छे से। और ये है टर्टल वाइन और स्पाइडर प्लांट, पर्पल हार्ट, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं छोटे छोटे पॉट में भी। एलोवेरा की ड्वार्फ वाली वैरायटी है, जेट प्लांट है, बेबी टीयर्स। और ये टर्टल वाइन पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठंड का असर जो है अंदर भी होता है। तो देखिए, थोड़े पत्ते जो हैं इसे जल से गए हैं, येलो से हो गए हैं। और एक ये हैंगिंग बॉटल का बनाया है, वेस्ट बॉटल से, इसमें भी वांडरिंग ज्यू की कटिंग लगी हुई है। और सर्दियों में फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट में मिस्टिंग की कीजिए, ज़्यादा पानी बहुत कम कर दीजिए, 15 दिन के बाद ही दीजिए मिट्टी दे के, और गुडाई जो है प्रॉपर करते रहें, 15 दिन में एक बार कर दें, तो प्लांट जो है अच्छे ग्रो होते रहते हैं। और सर्दी में इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, लाइट हो तो उसके पास जो है लाइट ऑन कर दें। तो 2-3 घंटे भी अगर आपकी लाइट इनके पास ऑन रहती है, बल्ब जलता है, तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनेगी, गर्माहट बनेगी, तो प्लांट जो है थोड़ी से ठंड से बच जाएंगे फ्रेंड्स। खिड़कियां बंद रहती हैं, फिर भी छोटी छोटी जो साइड में दरारें सी होती हैं उनमें से हवा आ ही जाती है। और देख सकते हैं मेरी खिड़कियों पे किस तरीके से ओस जमी हुई है। बाहर का मौसम देखिए कितना ठंडा है, कैसा है। और दोनों खिड़कियों पर इसी तरह धूप भी अच्छी आती है जब आती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कोहरा बाहर से जमा हुआ है। ये देखिए पूरी खिड़कियाँ, बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा ये, तो इस तरीके से। और प्लांट भी क्या करें इस ठंड में, बस फ्रेंड्स यही एक महीना है जनवरी का, जो अभी ठंड का बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे फरवरी में थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा। तो
ये देखिए इस तरीके से आप ध्यान रखिए अपने प्लांट्स का और खुद का भी रखिए फ्रेंड्स। अगर आप खुद अच्छे होंगे तभी आप अपने प्लांट्स का ध्यान रख पाएंगे। इस भयंकर ठंड में खुद को भी, खुद का भी रखें, अपने बच्चों का भी रखें और अपने प्लांट्स का भी रखें। ये भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं, जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं वैसे इनकी भी करनी पड़ती है। और प्लांट लवर को तो शौक़ होता है तो वो खुद करते ही करते हैं प्लांट की ये जो केयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरे इंडोर प्लांट सारे के सारे, और मैंने स्टेयर्स पे रखे हैं, कुछ विंडो पे रखे हैं छोटे छोटे, कुछ हैंग किए हैं कर्टन रॉड से। तो देखिए इस तरीके का व्यू आ रहा है, देख लीजिए कितने सुंदर लगते हैं रखे हुए। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इंडोर प्लांट ज़रूर लगाइएगा, जगह कम है फिर भी थोड़े लगाइएगा। तो हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।